हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 को। इससे पहले के जो 57 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर दिए हैं, जिसमें हम फुल फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, फुल फॉर्म ऑफ IRPHA। तो IRPHA की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन फॉर रेलवे पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन रेलवे पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एंड सी होगा आपका इंडियन रेलवे पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन रेलवे पब्लिक हेल्थ एडवाइजर। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1990 में इसको पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जो है 1990 में ये बनी थी। इसका बेसिकली फंक्शन जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पर हेल्थ, एक तरीके की हेल्थ यूनिट है जो कि रेलवे एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 59, फुल फॉर्म ऑफ IRWO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफ रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन रेलवे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि प्रोवाइड करता है हाउसिंग सर्विस सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय को नो प्रॉफिट और नो लॉसेस बेसिस पर, यानी कि उनको घर मुहैया कराने का काम ये करता है। क्वेश्चन नंबर 60, मिसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है? मिसफेट की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन देखेंगे पहले, मेटल इंडक्टर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फील्ड एफिशिएंट ट्रांजिस्टर, मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट थायरिस्टर, या मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक सेमीकंडक्टर ये डिवाइस होती है। फुल फॉर्म ऑफ MACP, MACP की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूचुअल एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, मॉडिफाई एक्सेप्टेड कैरियर प्रोग्रेशन। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉडिफाई एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, यानी कि एक तरीके से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है जो 10 साल 20 साल और 30 साल सर्विस के बाद ये मिलता है। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियली अपग्रेड करना है तो मिनिमम आपको जो सर्विस करनी पड़ेगी 10 ईयर और 20 ईयर और 30 ईयर, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62, फुल फॉर्म ऑफ MFI, MPFI, MPFI की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूचुअल पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर, मल्टी प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर, या मेन पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। नेक्स्ट वन, MBF, MBF की फुल फॉर्म क्या होती है? MBF होता है आपका, इसके ऑप्शन देखते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, मल्टी बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बंच फंड, या म्यूचुअल बेनिफिट फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल बेनिफिट फंड होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉस्फेट, दोबारा वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। सीधा हम इसमें ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी मॉस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ नेत्रा, NETRA। तो इसका देखेंगे, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग अपैरेटस, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग अपैरेटस, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्टिंग एंड रिसीविंग अपैरेटस, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑक्सिलरीज। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग अपैरेटस। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कंबाइंड रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन,
ऑफिस चार्ट रजिस्टर, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि एक प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू ए मशीन रीडेबल टेक्स्ट में, यानी कि ये जो टेक्स्ट होता है उसको रीड करता है और उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम एमसीक्यूज वगैरह देते हैं, एक ओएमआर सीट आती है, तो वो उसको मैनुअली चेक नहीं किया जाता, कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। तो जो किसके द्वारा किया जाता है, वो ओसीआर के थ्रू। नेक्स्ट ओएम क्या होता है, ओईएम। देखिए इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर, ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी मटेरियल, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो जो इसका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट ओएलईडी क्या होता है, नेक्स्ट है ओएलईडी क्या होता है, ओएलईडी होता है आपका ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, आपने देखा होगा मोबाइल की जो स्क्रीन होती है या लैपटॉप की स्क्रीन होती है, ओएलईडी आती है, तो उसको हम ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। ये क्या करता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये एमिट करता है लाइट को। कब करेगा लाइट को एमिट, जब इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर फॉल की जाती है। पीसीडीओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीडीओ। तो इसका जो आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी पीरियोडिक कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो पीरियोडिक कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल होता है, इसके अंदर जितना भी सेक्शनल हाइलाइट्स, फेलियर्स और वर्क स्टेटस, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन और इस तरीके की चीजें इसके अंदर दे रखी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फुल फॉर्म ऑफ पीसीईई, पीसी की फुल फॉर्म, पीसीईई की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कैप्टन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल ऑफ चीफ इक्विपमेंट इंजीनियर, प्रिंसिपल ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्राइम चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर अब 71 की तरफ बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीएसजेबी, पीएसजेबी की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोटेक्शन सप्लाई जंक्शन बॉक्स, पावर सप्लाई जंक्शन बैटरी, पावर सिस्टम जंक्शन बॉक्स या पावर सप्लाई जंक्शन बॉक्स। तो इसका जो आंसर रहेगा 71 का, ऑप्शन नंबर डी पावर सप्लाई जंक्शन बॉक्स, यानी कि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं ये पीएसजीबी। फुल फॉर्म ऑफ पीटी एलओसी, प्लेट टाइप ल्यूब कूलर, प्लेट टाइप ल्यूब ऑयल कपलर, प्रोटेक्शन टाइप ल्यूब ऑयल कूलर या प्लेट टाइप लिफ्टर ऑयल क्लीनर। तो जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा प्लेट टाइप ल्यूब ऑयल कूलर। इट इज, देखिए इसका यूज क्या होता है, ये यूज होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए बिटवीन द जो बिटवीन मैकेनिकल पार्ट्स, जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 73, क्यूएम क्यूपी क्या होता है, तो क्वालिटी मेंटेनेंस क्वालिटी प्रोसीजर, क्वालिटी मैनुअल क्वालिटी प्रिवेंशन, क्वालिटी मैनुअल क्वालिटी प्रोसीजर या क्वालिटी मैनुअल क्वालिटी प्रोक्यूरमेंट। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वालिटी मैनुअल क्वालिटी प्रोसीजर। नेक्स्ट वन, आरसीटी क्या होता है, आरसीटी होता है एक तरह का ट्रिब्यूनल है, ये रेलवे कंज्यूमर ट्रिब्यूनल, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, सभी ट्रिब्यूनल है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जैसे कि रेलवे के अंदर कोई आपकी चीज खो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो आपको क्लेम करने के लिए एक एक ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसके अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसका आरसीटी क्या होता है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 75,
फुल फॉर्म ऑफ आरसीडी। आरसीडी क्या होता है? रेल कंज्यूमर डिपो, रेल क्लेम डिपार्टमेंट, रेलवे कंज्यूमेबल डिपार्टमेंट, या रेल कस्टमर डिवीजन। तो इसका जो आंसर रहेगा ए, रेल कंज्यूमर डिपो। नेक्स्ट वन, आरडीसी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीसी? तो रेलवे डिग्री सेंटर, रेलवे डिग्री कॉलेज। और देखिए मैं बता देता हूँ, जो आरडीसी होता है ना, जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या उनकी डिग्री, बैचलर डिग्री के लिए कॉलेजेस बनाए गए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेलवे डिग्री कॉलेज, जिनमें बीएससी, बीकॉम, बीसीए इस टाइप के कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो रेलवे डिग्री कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 77, RELH क्या होता है? रेलवे इकोनॉमिक एंड लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, रेलवे एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड हेल्थ सिस्टम, रेलवे एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, रेगुलर एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, आर फॉर रेलवे, ई फॉर एम्प्लॉय, एल फॉर लिबरलाइज्ड, एच फॉर हेल्थ स्कीम। तो एक क्या होता है कि जितने भी रेलवे रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय होते हैं वो कवर किए जाते हैं इसके अंदर, उनको बेसिकली जो मेडिकल फैसिलिटी, फुल मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, RITES राइट्स क्या होता है? रेल इंडिया ट्रैफिक एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एंड एनवायरनमेंट सर्विसेज, रेल इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज। मतलब आप ये समझे कि ये क्या होता है, नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये संस्था जो है आती है, PSU है ये। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 79, फुल फॉर्म ऑफ ROMA। तो रेलवे ऑफिसर मेडिकल एसोसिएशन, रेलवे ऑफिसर मैकेनिकल एसोसिएशन, रेलवे ऑफिसर मेंटेनेंस एसोसिएशन, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेडिकल एसोसिएशन। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो रेलवे के मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनका एक ये एसोसिएशन है, तो रेलवे ऑफिसर्स मेडिकल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 पर बढ़ते हैं आगे। आज कोशिश करेंगे पूरी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट इसलिए है कि इसको आज कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मतलब ऑप्शंस देखिए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने का वीडियो काफी बड़ी बन रही थी, और तो एक दो कमेंट भी थे कि भाई वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया जाए, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है। RTRC क्या होता है? RTRC, देखिए सीधा ऑप्शन पे चलेंगे, RTRC क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप, रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, यानी कि एक तरीके का रेलवे के अंदर एक टेस्टिंग रिसर्च सेंटर है रेलवे का ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 81, 81, RAPB क्या होता है? RAPB क्या होता है? रिजर्व एयर पेनल्टी ब्रेक, रेस्ट्रिक्टेड एयर प्रोटेक्शन ब्रेक, रेस्ट्रिक्टेड एयर पेनल्टी ब्रेक, रेस्ट्रिक्टेड एयर पेनल्टी ब्लॉक। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एयर पेनल्टी ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 81, RWWCO क्या होता है? तो सीधा इसके ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, रेलवे विमेन वेलफेयर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो रेलवे विमेन्स वर्क करती हैं ऑर्गेनाइज रेलवे के अंदर, उनका एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो रेलवे विमेन्स वेलफेयर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ RRT, RRT क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल, आर फॉर रेलवे, आर फॉर रेट, टी फॉर ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है STA, शट डाउन ऑटो कॉन्ट्रैक्टर, स्टार्टिंग ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, स्विच ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, सेफ्टी ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका जो 84 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर।
नेक्स्ट है 85, सिम। सिम क्या होता है? ये इजी क्वेश्चन है, जो हम मोबाइल के अंदर सिम यूज करते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। देखिए एक ई सिम भी आ जाती है। ई सिम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सिम हो जाएगी। जैसे कि अभी कुछ फोन ऐसे आ रहे हैं जिनमें, जैसे आईफोन का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें कोई सिम डालने की जरूरत, फिजिकल सिम डालने की जरूरत नहीं है। आप ई सिम के थ्रू भी मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो। जो मोबाइल का ई जो एक इस टेक्नोलॉजी का बस थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको उस सिम को दूसरे मोबाइल में यूज करना हो, तो देन आपको एक फिजिकल सिम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये फैसिलिटी सभी मोबाइल में अभी नहीं है। स्पार्ट की फुल फॉर्म क्या है? SPARD। स्पार्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ SWSO। SWSO, सीनियर वर्क स्टडी ऑफिसर, सुपर वर्क स्टडी ऑफिसर, सीनियर वर्क सुपरविजन ऑफिसर, सबऑर्डिनेट वर्क स्टडी ऑफिसर। तो इसका जो आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, सीनियर वर्क स्टडी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 88, फुल फॉर्म ऑफ TAA। TAA क्या होता है? तो रेलवे के अंदर भी टेंडर्स छूटते हैं, तो जो उन टेंडर को एक्सेप्ट करने की जो अथॉरिटी होती है, उसी को हम TAA बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 89, TTC क्या होता है? TTC एक कंट्रोल कैबिनेट होता है। एक तो ऑप्शन देखते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल क्लच, ट्रैफिक कंट्रोल केबिन, ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट और ट्रैक्शन कंट्रोल कंटेनर। तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट। फुल फॉर्म ऑफ UI। UI की फुल फॉर्म क्या होती है? UI की फुल फॉर्म होगी आपकी यूनिवर्सल इंजेक्टर, यूनिफॉर्म इंजेक्टर, यूनिट इंजेक्टर या अल्ट्रा इंजेक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी, यूनिट इंजेक्टर। फुल फॉर्म ऑफ SFC। SFC की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टार्टिंग फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेशल फ्यूल कंजम्पशन। तो इसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, डिटेल में अभी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाद में थोड़ा सा हर एक टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी बना लेंगे। SCR क्या होता है? SCR एक रेक्टिफायर है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो कि इसकी फुल फॉर्म होगी, ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 93, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क क्या है? तो एक ग्रुप है, और जिसका इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, आपका काठमांडू में है इसका, और इसका अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन नहीं हो, कॉर्पोरेशन होना चाहिए था, साउथ एशियन एलीज फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल सब एशियन एसोसिएशन। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है सर, कंपनी रीजन। तो इसका जो रहेगा, ए रहेगा, यानी कि साउथ एशियन एक एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। फुल फॉर्म ऑफ UST। UST की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक साउंड टेस्टिंग। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VFD? वैक्यूम फ्लोरोसेंट डिस्प्ले, विनाइल फ्लोरोसेंट डिस्प्ले, वैक्यूम फाइबर डिस्प्ले, ये ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम फंक्शनिंग डिस्प्ले। तो इसका जो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम फ्लोरोसेंट डिस्प्ले।
क्वेश्चन नंबर 96, वीसीबी क्या होता है? वैक्यूम सेंटर ब्रेकर, वैक्यूम कैबिन ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट बोर्ड या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वायरस क्या होता है? वायरस आपने सुना होगा, एक एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को या आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को डैमेज करने का ये काम करता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस से बचाने के लिए हम कंप्यूटर में जो यूज करते हैं वो क्या होता है? एंटी वायरस। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 98, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एपी, डब्ल्यू एपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वैगन एंड एक्सल प्लांट, व्हील एंड एक्सल प्लांट, व्हील एंड आर्मेचर प्लांट, व्हील एंड एक्सल प्रोसीजर। तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्हील एंड एक्सल एक्सल प्लांट। नाइनटी एट सेकेंड लास्ट अब आया है 99। फुल फॉर्म ऑफ विंडोज, विंडो क्या होती है? तो सीधा ऑप्शन पे चलते हैं, सी, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। थोड़ी सी फुल फॉर्म इसकी बड़ी है, तो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, जैसे विंडो 98, विंडो एक्सपी या विंडो 11, ये आपने सुना होगा। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम जो करती है आपकी विंडो होती है। कंप्यूटर को जैसे ही हम ओपन करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होकर आती है वो आपकी क्या होती है? वो विंडो होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ याहू? याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सीधा इसकी फुल फॉर्म पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, येट अनदर हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। ओरेकल तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो और एक उसी के ऊपर ये उसी के बेसिस पर ये बना है। तो येट अनदर हायरार्किकल हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। तो इस आज वीडियो में लगभग हमने 100 क्वेश्चन, 100 फुल फॉर्म्स को कंप्लीट करा है। बाकी एक कंप्लीट वीडियो भी लेके आएंगे, जितनी अभी 4 वीडियो में ये कंप्लीट किया है, कि उसमें सारे क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को एक बार प्रैक्टिस और कराई जाए आपकी, जो आपको एक सारी फुल फॉर्म से ये याद हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।